सांस से हम परम शक्ति सत्ता को पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, परमानंद को पा सकते हैं, सारा सुख पा सकते हैं। ब्रह्म इंद्र पद को कौन कहे स्वयं, आसक्ति लोग पा सकते हैं, उससे हम बहुत मांग करते हैं। कितनी बड़ी समझदारी की बात है, कितना बड़ा ज्ञान की बात है, कितना बड़ा बुद्धिमानी की बात है। दिव्यात्माएं, आप लोग सुने होंगे रामा अवतार में जब सीता मैया के खोज के लिए हुआ तो कोई पूर्व गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया, लेकिन दक्षिण दिशा प्रभु मेन लोगों को भेजे। मेन माने ब्रह्मा अवतार जामवंत जी महाराज, एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज, अंगद नील नयन महेंद्र दुर्लभ, सभी भेजे गए दक्षिण दिशा में। वो भी भगवान किसको बुलाए, न जामवंत को अपने पास बुलाए, न अंगद को अपने पास बुलाए, न नल को अपने पास बुलाए, न नील को अपने पास बुलाए, केवल हनुमत को बुलाए। इधर सब लोग चले गए थे, फिर बुलाए इधर सभी लोग लौटे। भगवान कहे नहीं नहीं, वो मने कपिराई, मने पवन तनय, समझ गए ना। आए तो मुद्रिका वही अंगूठी निकाले और दे दिए। क्यों दे दिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, मैं कथा नहीं कहता, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि अपने अंतःकरण से आप स्वयं मुझे बतावे कि सोच करके बताइए कि क्या वह चाहते हनुमान, यदि चाहते भगवान राम तो क्या अंगद को नहीं समुद्र लंघवा देते, हो जाता चाहते तो अरे मच्छर को चुटकी बजाते, चक्र सुदर्शन को भेज देते, गरुण जी को भेज दे, हाँ क्या ना है कि नहीं, क्यों? लेकिन उनकी महानता बढ़ाने के लिए कि हमारा काज करने के लिए लोग अंगूठी दे रहे हैं कि जाइए, वो जान नहीं रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये भी मानहीन है, मान बने घमंडहीन है, अभिमानहीन है, इसीलिए हनुमान को देते हैं लीजिए काज करने के लिए। यदि भगवान राम जैसे हनुमान को काज करने के लिए दिए तो भगवान भाग्यशाली थे, हनुमान जी भाग्यशाली थे। और ये बताइए क्या हनुमान जी को लंका में जाने में कठिनाई नहीं पड़ी, ईमानदारी बोले फड़क नहीं पड़ा, पड़ी नहीं, जो छलांग लगाया आ गई सुरसा, बोले आगे जा तुरंत आई सुरसा की नहीं, वैसा आदमी रहता तो घूम आता, चतरी भगवान होते तो बीचे में टाइम खड़ी हो गई, वैसा आदमी रहता सोचता है भगवान का काम करने जा रहे हैं, धर्म का काम करने जा रहे हैं, सत्य धर्म की ग्लानी हो रही है, धर्म की स्थापना के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में से घूम आता और कहता चल कौन पता लगाने जाएगा, अरे अच्छा काम करते हैं तो अच्छा फल मिलना चाहिए, हनुमान जी पीछे हटे घटे है, यहाँ तक मिलता है उनको ग्रास करने के लिए 100 योजन का मुंह कर ले फिर भी नहीं भागे, भागे अब क्या आप जान रहे हैं, इतना ही तक रह गया। अरे जो आगे बढ़े प्रधान देंगे, जो आगे बढ़े उस समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, समुद्रमा में रहती थी, और जब उसके सामने कोई परछाई आ जाती थी तो परछाई से उसको पकड़ लेती थी और उसी से खींच करके खा जाती थी। कहा जाता है थी निशाचर लंका में कर्तव्य माया दिखलाती थी, पानी के परछाई से उड़ते पक्षी को खा दी, सोई छलस हनुमान संग कीना, वही पवन तनय के साथ भी कर दी, जैसे आया कहा कि बहुत बंदर है, एक बार खा लूंगी तो जीवन भर का काम खत्म, फिर भोजन करने की जरूरत नहीं। सोई छल हनुमान संग कीना, वह भी जैसे कि जब कैच करनी चाहिए, ये बताइए जिस पर भगवान का सदगुरु का हाथ है वह कैच, उसको कोई राक्षस कैच कर पाएगा, कैच कर पाएगा, कैच करना चाहिए, लेकिन भगवान हनुमान जान गए, वही सुरसा का प्रणाम करते हैं, माता कह करके शीश झुकाते हैं, और यहां जब आते हैं तो तुरंत 1 लात लगाए रसातल चले गए, ठीक है
देखिए आगे जाते हैं फिर भी बोली मोर हार लंक कर चोरा। सुने होंगे गोस्वामी जी लिखे प्रचलित है चौपाइयां जो बोल रहा हूं। सुनो दुष्ट कहां जा रहा है मुझसे बच करके मेरा हार लंका का चोरा। सोचो तीसरी चौथा इसके पास भी उनका पीछा संकट नहीं छोड़ा। खोज रहे हैं रावण के मंदिर यानी घर में जाकर देख रहे हैं मंदोदरी के साथ सोया हुआ वहां भी नहीं। विभीषण के पास जाते हैं विभीषण के पास पहुंचते हैं मैया का पता लगा लेते हैं उसके बाद भी देखो इसको पकड़ भगवान हनुमान जी को पकड़ते हैं ना सब मेघनाथ बांधा है रात का प्रहार करता है आता है हंसी उड़ाता है हुआ नहीं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं भगवान हनुमान जी कभी ने यह विचार नहीं किया कि प्रभु ने मुझको जो काम दिया फिर सोने लगे बड़ा सवेरे भाई नींद आ रही है चलो जगाए क्या ओ अभी शुरू भी नहीं हुआ तब तक नींद आ गई चलो देख रहे हैं सो देखे कैसे सोते ओ देखिए दिव्य आत्माएं यदि धर्म का कार्य करने के लिए भगवान या सदगुरु या मां शक्ति हम लोगों को दी है जिम्मेदारी दी है तो हम लोगों का भाग्यशाली है हम भाग्यशाली हैं आप भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के हाथ से हम लोगों के माध्यम से सत्य और धर्म का कार्य हो रहा है इसमें अपने का नहीं उस परम शक्ति सत्ता का कृपा। यदि उसमें बाधाएं भी आती हैं थोड़ा दुख भी आते हैं तो भी यदि सहन कर लेते हैं तो हमारा कर्म हनुमान की तरह होता है हम हनुमान जी की तरह होते हैं हम राक्षस की तरह नहीं होते। इतने रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं उसमें इतनी सेना थी लेकिन मुझे आप बताएंगे कि हनुमान जैसा गाथा किसी का तैयार हुआ है नहीं इतिहास किसी का तैयार हुआ है किसी का तैयार हुआ है बोलिए नहीं हनुमान जी का तैयार हुआ हनुमान जी का जीवनी देखिए हनुमान जी का जीवनी देखिए सोचिए विचार कीजिए। मैं यही कहता हूँ जब जब विपत्ति आती थी तो हनुमान जी ही बोलते थे कि जिसके सर पर हाथ प्रभु का ध्यान दीजिए अरे जिसके सर पर हाथ प्रभु का सेवक क्या घबराएगा वाल्मीकि रामायण जिसके सर पर हाथ प्रभु का सेवक क्या घबराएगा तीनों लोक का स्वामी जब मेरा कौन भला क्या बिगाड़ पाएगा। ठीक है एक भावना थी इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यदि सदगुरु का साथ हाथ आपके सर पर है तो आप अपने को भाग्यशाली मानिए और धर्म काज के लिए आगे रहिए। ठीक है नदी के तट पर सभी लोग समुद्र के तट पर सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे कि मैं इतना आयोजन जाऊंगा कोई कहता था इतना आयोजन जाऊंगा मैंने छलांग लगाऊंगा समुद्र में और हनुमान जी दूर थे और मैं आपसे बताऊं जामवंत जी केवल एक बात कहे कि धर्म काज लग धरि अवतारा सुनतहु भयउ पर्वता कारा एक बात बोले कि तुझे धरती पर भेजा नहीं गया है अवतरित हो जन्म नहीं लिए हो अवतरित हो ऐसा है हनुमान जो सुने त्यों पर्वत के आकार के हो गए। आप भी इस वाणी से आज अपने आप को धर्म स्थापना के लिए अपने को पर्वताकार रूप बनाइए अपने श्रोता बनकर न बनिए बैठिए कि मैं सुन रहा हूँ मेरा काम खत्म है नहीं सुनने के लिए दुनिया सुनती है और सोती है, है? सुनती और सोती है। आजकल से सत्यनारायण महाराज का कथा सुनते हैं लोग कुछ प्रभाव पड़ता है नहीं कुछ प्रभाव पड़ता है नहीं। बाबा जी भी कहते कहते सो जाते हैं चेला भी कहते कहते सो जाते ऊब हो रही है ऊब हो रही है ना। मैं पता नहीं आप जाने देखते हैं कि नहीं जानते हैं एक स्कूल था एक स्कूल में कुछ बच्चे थे स्कूल में कुछ बच्चे थे और सर्वात्मानंद जी की स्कूल की बात नहीं कर रहा स्कूल में बच्चे थे। अब
अब क्या हुआ कि मास्टर साहब सोचे कि लाओ कोई अच्छा चौपाई आसानी वाला लिख दें कि बच्चे आसानी से